Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely well. And ये मेरे पास कुछ एक नया प्रोडक्ट है जो कि मैंने लिया है और ये Realme की तरफ से आने वाला ईयरबड्स है और ये बेसिकली आपको पता है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वही मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ और ये मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने ही इसको अनबॉक्स किया जाए, इसलिए मैंने इसको पैकेज ही नहीं खोला था। तो यहाँ पर आपके सामने ये मैं निकाल रहा हूँ और यहाँ पे ये Realme Buds Q2 Neo आप देख सकते हो, ये मैंने लिया है और ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे देखने को मिल गए। लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो 1599 है, मतलब 1600 के प्राइस पे देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ये मेरे को 1299 के देखने को मिले जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, अभी इनकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका मैं रिव्यू दूंगा आपको, पूरा फुल डिटेल में रिव्यू दूंगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने पूरी तरीके से अनबॉक्स किया जाए। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पैकेजिंग हल्की फुल्की चेंज सी लग रही है, तो यहाँ पे ये कुछ हमें और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे आपको ये बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल मैं इसको अभी टेस्ट करने वाला हूँ और इसको टेस्ट करने के बाद मैं आपको फुल डिटेल इसके बारे में देने वाला हूँ। देखते हैं आगे यूज़ करके ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस फाइनली मैंने इसको काफ़ी टेस्ट कर लिया है, Realme Buds Q2 Neo को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने कम से कम 2 से 3 बार इसकी बैटरी को फुल करके उसको ख़त्म कर दिया, तो मतलब इतना टेस्ट किया है। और इनफैक्ट गेमिंग वगैरह, कॉल क्वालिटी सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, इसकी जो बिल्ड है वो मुझे डिसेंट लगी है, वही वर्ड में बताऊँ तो हाँ डिसेंट लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो आप हिंज देख रहे हो ये कोई खास ऐसे आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी खास ऐसा मैग्नेटिक जैसा नहीं फील हो रहा, बट ये जब चिपक जाता है तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अगर मैं इसको चाहूँ कि यहाँ इसको एक हाथ से खोल लूँ तो भाई नहीं खोल सकता, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ऐसे सिर्फ एक हाथ से खोलने वाले जो ईयरबड्स आते हैं वो आपको 2000 के ऊपर वाले ही ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, बट इसको हाँ इतना मैं कहूँगा इसकी हिंज अच्छी है बट सेटिस्फाइंग नहीं है, जैसे कि आपको 2000-2500 के प्राइस पे जो ईयरबड्स देखने को मिलते हैं उनमें देखने को मिलती है, तो हाँ ये चीज़ है। बाकी अगर मैं इसको हिला के दिखाऊं तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है, काफ़ी इनके जो बड्स के मैग्नेटिक है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इनकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इनकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो डिसेंट है और जो हिंज है वो भी आपको डिसेंट देखने को मिलती है। हालांकि ये अगर गिरते हैं तो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली कुछ बाहर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो आपको काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर बिल्ड है वो देखने को मिल जाता है। बड्स की अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो 4.2 समथिंग यहाँ पर जो वेट है या 4.1 समथिंग देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल रहते हैं, अगर आप कानों में लगा के रखोगे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो वेट को लेकर के कोई भी इशू नहीं होता है। इनफैक्ट इसका जो साइज़ है वो भी पेबल जैसा है, तो आप जीन्स की पॉकेट में रखोगे कोई इशू नहीं आता है, मतलब छोटा सा है तो काफ़ी क्यूट सा भी लगता है देखने में और काफ़ी ईजी टू यूज़ है, तो इन चीज़ों में मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है Realme ने। बैटरी को लेकर के अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको 20 आवर्स का बैटरी क्लेम करते हैं Realme, बट हाँ यहाँ पर अगर केस में लगा करके बात करूँ तो वही 16-17 आवर के आसपास देखने को मिल जाता है। और सिंगल चार्ज पे जो बड्स की जो बैटरी है वो लगभग से 3.5 घंटे के आसपास, 4.25 घंटे के आसपास चल रही है, मतलब 3 घंटे 45 मिनट के आसपास चल रही है। वैसे ये कह रहे हैं कि 5 आवर का बैकअप देगी, बट ऐसा नहीं है यार, वो एग्जैक्ट तो नहीं आता। इसके बाद अगर मैं साउंड क्वालिटी को लेकर के बात करूँ तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी मेरे को काफ़ी तगड़ी लगी। साउंड क्वालिटी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप Realme लिंक से जाकर के इसको अगर एड ऑन करते हो तो वहां पे आपको 2-3 क्वालिटीज देखने को मिल जाती हैं, साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक बेस मोड है और एक डायनेमिक मोड है, साथ ही साथ ब्राइट मोड देखने को मिल जाता है, तो 3 मोड है वहां पर। आप बेस मोड में अगर आप जाते हो तो स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको हाँ जो साउंड है उसमें थोड़ा सा जो बेस है वो बूस्ट हो गया है, तो ऐसा कुछ साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और जिस प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यार साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी है। इनफैक्ट अगर मैं म्यूजिक की भी बात करूं तो जो वोकल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड है, जो यहां पर आपको बेस सुनाई देता है वो भी काफी अच्छा और काफी पंची है, काफी क्रिस्पी साउंड आपको सुनाई देता है। मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि हल्का सा अगर और लाउड होता तो बेटर होता, बट भाई काफ़ी अच्छा लाउड है और 80% पे अगर आप सुनते हो तो हाँ आपको बढ़िया वॉल्यूम सुनाई देगी। अगर आप 100% कर देते हो तो हल्का फुल्का किसी किसी सॉन्ग में आपको थोड़ा सा अलग सा साउंड देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, फंस रहा है,
तो 80% पे बहुत ही अच्छा स्मूथ आपको साउंड इफेक्ट सुनाई देगा। इनफैक्ट जो म्यूजिक क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छी सुनाई देगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छे तरीके से साउंड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अगर आप कान में लगाते हो तो किस हिसाब से, मतलब जैसे कि इस तरीके से लगाया मैंने तो कितना अच्छे से फिट हो पाते हैं, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं और उतना ही अच्छा मतलब आपको कंफर्टेबल भी लगेंगे। वैसे ही तो यहाँ पर मीडियम साइज के ये टिप्स लगे होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो। दो ये टिप्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज, तो वो अपने कान के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कंफर्टेबिलिटी वहां से भी डिफाइन हो सकती है, बट मैं यही कहूंगा कि इनकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो मुझे अच्छी लगी। कंफर्ट को लेकर के मेरे को कोई शिकायत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, मेरे को डिसेंट कंफर्टेबल लगे हैं। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी इंस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बड्स निकालता हूँ और इनको ऐसे लगाता हूँ और ब्लूटूथ अगर आपका फोन को ऑन है, डेफिनेटली एक ही बार में यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाते हैं। इनको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये ऑटो पेयर हो जाते हैं और ये आपस में भी दोनों पेयर हो जाते हैं। 3 सेकंड तक आप टैप करके रखोगे अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर Realme लिंक में जाकर के इनको कस्टमाइज करना चाहते हो तो वहां पर सारी कस्टमाइजेशन हो सकती है। जो भी यहाँ पर आपको जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, डबल टैप, सिंगल टैप या फिर ट्रिपल टैप के, या फिर गूगल असिस्टेंट को लेकर के, सीरी को लेकर के, या फिर जो भी आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का जो जेस्चर देखने को मिलता है, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। कितने टैप पे कौन सा यूज करना चाहते हो सारा कुछ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इसमें एक अच्छी चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ENC देखने को मिल जाता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, तो ये एक अच्छा यहाँ पर है। बट मैं इतना बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छा तो परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन हाँ कोई बुरा भी परफॉर्म नहीं करता, जैसे कि आपकी फैन की आवाज़ है या फिर कोई ऐसे नॉर्मली जो घर के इंस्ट्रूमेंटल ऐसी चीज़ें हैं तो उस जगह पे ये जो नॉइस है वो कट कर देता है। ये काफ़ी एक अच्छी बात है, जैसे कि एसी की आवाज़ हो गई या किसी और भी चीज़ की आवाज़ हो गई तो वो सारी चीज़ें कट कर देता है बहुत ही स्मूथली। तो आपकी जो सामने से आवाज़ जाती है किसी और बंदे के पास वो एकदम ही क्लियर जाती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी मैं आपको सुना देता हूँ फैन ऑन करके भी और यहाँ पर कॉल करके भी, तो आप सुन लो। देखो यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन है वो कैसी आ रही है, साथ ही साथ माइक की क्वालिटी भी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगी, तो देख लो। तो अभी जो आवाज सुन लो, ये फैन चल रहा है और यहाँ पर एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर एक्टिव है। तो अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपको आवाज कैसी लगी। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे फैन ऑफ कर देता हूँ। तो अब जो है वो फैन मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया, यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, और कोई भी एक्सटर्नल आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी ENC है वो कितना काम कर रही है इसके पहले, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद दोस्तों अगर मैं लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी मेरे हिसाब से हल्का फुल्का तो डिले ब्लूटूथ हेडफोन्स में जो नॉर्मली होता है वो रहता ही रहता है। बाकी आप यहाँ पर लेटेंसी देख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसकी लेटेंसी कैसी लगी, साथ ही साथ जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी लगी, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर लिए और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पर माइक्रो USB दे रखा है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो माइक्रो USB यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, मेरे ख्याल से टाइप सी देना चाहिए था, क्योंकि अब 1000 रुपये के अंदर के जो ईयरबड्स आ रहे हैं उनमें भी आपको माइक्रो USB देखने को नहीं मिलता, यार टाइप सी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ Realme को एक चीज़ मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसके जो यहाँ पर केबल देते हैं यार, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि ये बस ऐसे ही लटकाना पड़ जाता है चार्जर में, फिर ये केबल किसी काम की नहीं आती, फिर फ़ोन के ही केबल से इसको चार्ज करना पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार थोड़ा सा साइज़ का बढ़ा दो और थोड़ा अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर केबल देना स्टार्ट कर दो। क्वालिटी में इसमें कोई कमी नहीं है, जितनी है उतनी अच्छी है, बट हाँ मैं कहूँगा कि साइज़ ज़रूर से इसकी इंक्रीज कर दो। बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर सामने से देखने को मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हिंज वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, बड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मैं सिंगल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये जो ईयरबड्स है वो डिसेंट है इस प्राइस पे, और अच्छे से ईयरबड्स शायद नहीं है, डीजो के अलावा और कोई नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जो मतलब एक ठीक ठाक सा बड्स चाहिए तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मुझे लगी और जो साउंड क्वालिटी है डेफिनेटली वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट ये है कि अपने कान के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, इसके जो टिप्स हैं वो अगर आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब साउंड क्वालिटी में, साथ ही साथ
एडजस्टमेंट में भी, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मेरा व्यू इसको लेकर के, बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। बस मुझे यहाँ पर एक ही दो चीज़ें सही नहीं लगी, यहाँ पर टाइप सी होना चाहिए था, साथ ही साथ इसका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा और होता तो बेटर मज़ा आती, बट कोई नहीं। यहाँ पर जितना भी ये 1600 के प्राइस पे दे रहे हैं वो भी कई सारे ब्रांड नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली, और एक साल की वारंटी है तो आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। मुझे काफ़ी पसंद आए, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, और अगर आप लोगों को परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के वहां पे क्लिक करके आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। ये स्टार्टिंग में तो भाई 1300 रुपए का मिल गया, लेकिन अभी 1600 के प्राइस पे है, और अगर वेट करो थोड़ा बहुत, अगर आपको 1500 के अंदर मिल जाता है ना तो ये अच्छी डील है, मतलब काफी बढ़िया डील है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जाकर के फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई इसका मैं कंपैरिजन लेके आऊंगा डीजो के साथ, वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लगभग दोनों की ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग है, 100-150 रुपए का, 200 रुपए का फर्क है। मैंने सुना है कि वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए वेट करना, मैं उसको भी लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।